of environment. Open your textbook. Open page number 23. Now, see here, write. Writing work is given here. Make a list of seeds. Write the name of seeds which you have seen or you know, other than the seeds mentioned on page number 22. See, here we have to make a list of seeds. यहाँ पे हमें सीड्स का एक लिस्ट बनाना है और उसके नेम्स नीचे दिए गए बॉक्स में लिखने हैं. सो टू बॉक्सेस आर गिवन, सीड्स दैट यू हैव सीन एंड सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन. जो सीड्स आपने देखे हैं उसके नेम्स लिखने हैं और जो सीड्स आपने नहीं देखे हैं उसके भी नेम्स लिखने हैं. सो फर्स्ट, सीड्स दैट यू हैव सीन. आपने सीड्स जो देखे हुए हैं, आपको पता है कि ये कौन सा सीड है, उसी का नेम आपको यहाँ पर लिखना है. आई एम राइटिंग फ्यू नेम्स ऑफ सीड्स विच आई हैव सीन. ओके, सो PADDY पैडी, MAIZ इमेज, MILLET मिलेट, WHEAT वीट, PEAS पीस, BEANS बीन्स. चिल्ड्रन, दिस मैनी सीड्स आई हैव सीन. सो मैनी अदर सीड्स आर देयर ऑल्सो विच आई हैव सीन, लाइक ग्रीन ग्राम, बाली, ओके, लेंटिल्स, सो मैनी आई हैव सीन, बट हियर आई एम राइटिंग फ्यू. सो लाइक दिस यू ऑल्सो हैव टू राइट विच यू हैव सीन. आपने जो सीड्स देखे हैं उसके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. देन द नेक्स्ट इज सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन. सीड्स जो आपने नहीं देखे हैं. सो LENTIL लेंटिल, PIGEON पिजन, PEAS पीस, पिजन पीस, जोवार, मस्टर्ड, कैस्टर, किडनी बीन्स, सो आई हैव रिटन हियर फ्यू नेम्स विच आई हैव नॉट सीन. एक्चुअली आई हैव सीन बट आई एम राइटिंग दिस फॉर यू. मैंने देखे लेकिन आपके लिए मैं ये नेम्स लिख रही हूँ. ओके, सो यू कैन राइट दिस नेम्स इफ यू हैव नॉट सीन. अगर आपने इसमें से कुछ सीड्स देखे और इसके सिवाय कुछ और सीड्स नहीं देखे हैं तो उसके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लासीफाई द सीड्स इन द टेबल गिवन बिलो. यहाँ पे हमें सीड्स को क्लासीफाई करना है थ्री ग्रुप्स में, सीडियल्स, पल्सीज एंड ऑयल सीड्स. थ्री अलग अलग सीड्स लिखने हैं लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में कोई नेम्स नहीं दिए गए हैं. सो जस्ट बाय योर सेल्फ यू हैव टू राइट कि सीडियल्स कौन से हैं, पल्सीज कौन से हैं और ऑयल सीड्स कौन से हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग फ्यू नेम्स.
wheat, rice, millet. These all are the cereals names. Then pulses. Green gram, kidney beans, and peas. Then oil seeds, castor, mustard, and sesame. These are the oil seeds. So here I have written the names of cereals, pulses, and oil seeds. So write it like that. Now see children, here I have written cereals names, wheat, rice, millet. ये names ऐसे हैं कि जो हम उसको तोड़ते हैं जब, तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या फिर उसका पाउडरी फॉर्म होता है, लेकिन उसका कोई ऑयली मार्क पेपर पे नहीं आता है. ये ऐसे सीड्स है. देन पल्सिस मीन्स ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स, पीस. दीज ऑल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स व्हेन यू ब्रेक इट. अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए और इसका भी कोई भी ऑयली मार्क पेपर पे नहीं आएगा आप रब करोगे तो. सो दीज आर पल्सेस. देन ऑयल सीड्स, कैस्टर, मस्टर्ड एंड सीसेम. ओके, सो ये जो सीड्स है उसमें से अगर आप उसको ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो उसकी पेस्ट बनेगी, कुछ पीसीस होंगे या फिर पाउडर फॉर्म होगा, और अगर आप उसको पेपर के ऊपर रब करोगे तो उसमें से ऑयल निकलेगा, ऑयल के मार्क्स पेपर पे आएंगे. सो जिसके भी मार्क्स ऑयल पर आते हैं उसको रबिंग करने के बाद, ऐसे सीड्स को ऑयल सीड्स कहते हैं. और दीज ऑयल सीड्स नेम्स आई हैव रिटन हियर. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट पेज नंबर 23 इन योर टेक्स्ट बुक एंड अदर राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर notebook. Have a nice day. Enjoy study. Bye bye.